हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 39 की, जो कि 8 अक्टूबर के लिए जारी की गई क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपने नाम लिखे नहीं, आपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोर्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, टू मूव, स्टॉप और चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी थिंग और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी हैव टू नीड फोर्स। बाय फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज रबड़ बैंड, नी द दो, पुश ए ट्रॉली और स्टॉप ए कार मूविंग बाई कार मूविंग कार अप्लाइंग बाई द ब्रेक। बट मैनी टाइम्स इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू पर्सन पुश ए हैवी टेबल या ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन और टीम पुल्स द रूफ विद इक्वल फोर्स इन टग ऑफ वार गेम, यू फाइंड दैट द टेबल ऑफ रूफ डज नॉट मूव। वैन टू पर्सन पुश हैवी टेबल विद इक्वल फोर्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, देयर फोर्स गेट बैलेंस। यानी कि अगर दोनों साइड में ऐसी कंडीशन हो कि फोर्स इक्वल हो, तो वो क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा उस केस में, नेट फोर्स हो जाएगी जीरो बच्चों। और जब नेट फोर्स हो जाएगी जीरो, तो वो क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी, बैलेंस फोर्स। इन द सेम केस, अगर किसी एक साइड में फोर्स ज़्यादा हो जाए और एक साइड में कम हो जाए, तो ज़्यादा वाली डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा और उस केस में हम कहलाएंगे अनबैलेंस फोर्स बच्चों। अब बात करें अगर किसी चीज़ की फोर्स की, तो फोर्स अकेले कभी काम नहीं करती, इट कैन नॉट एक्सिस्ट अलोन। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स होती है। तो मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी अनबैलेंस इट्स फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स से अगर ज़्यादा होगी किसी मोशन करने आने के लिए ऑब्जेक्ट की फोर्स, तो ही वो एक्ट करेगा अनबैलेंस का तौर पर, वरना बैलेंस तौर पर रहेगा और तब तक मूवमेंट नहीं करेगा बच्चों। अब बात करें अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन एंड बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड मोशन और ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में करता रहेगा या फिर रुका रहेगा, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स बाहर से एक्ट ना करे, और इस टेंडेंसी को किसी ऑब्जेक्ट की हम कहते हैं इनर्शिया बच्चों। एग्जांपल है इसका कि इन ए मूविंग बस एवरीथिंग इज़ इन मोशन, बट व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स सडनली द बस गेट स्टॉप, बट द अपर पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज स्टिल इन मोशन फॉर ए वाइल, सो वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड एंड दस फील ए जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि बस के एकदम ब्रेक अप्लाई करने से हम आगे की तरफ जो गिरते हैं, वो इनर्शिया की वजह से होता है। और सेम वे, अगर हम बस में खड़े हों और बस सडनली मूवमेंट करना शुरू कर दे, तो हम पीछे की साइड में जर्क फील करते हैं, यानी पीछे की साइड में गिरते हैं। तो ये केस भी क्या होता है, ये इनर्शिया की। अब इनर्शिया क्या बच्चों, कि एवरी ऑब्जेक्ट अपोजिट्स अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इट टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, और हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव लार्ज इनर्शिया इन कंपैरिजन टू लाइटर ऑब्जेक्ट, ड्यू टू विच यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स ऑन देयर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा बच्चों, या वजन ज़्यादा होगा, उसमें इनर्शिया भी ज़्यादा होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट इफेक्ट कैन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, गिव एग्जांपल। तो बच्चों, अगर बेसिक वे में बात करें, तो फोर्स जब अप्लाई होती है, तो मूव करती है, स्टॉप करती है, चेंज डायरेक्शन करती है और चेंज शेप करती है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये सब चीज़ें आपको होती है, एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं, ये आपका आंसर वन है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा बच्चों, फिर व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ये आपका आंसर टू हो गया बच्चों। फिर है बच्चों, डिफाइन इनर्शिया फर्स्ट राइट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल। तो ये पूरा का पूरा आपका है यहाँ पे आंसर थ्री है आपका। ये इसमें इनर्शिया बताया गया, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया गया, फिर इनर्शिया बताया गया, और फिर आपका बताया गया है एग्जांपल यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको लिखना है।
फिर क्वेश्चन नंबर 4, इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर विल फेल द जर्क इफ बस स्टार्ट मूविंग सडनली। तो ये फील करेंगे कहाँ पे सर बच्चों, ये फील करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क, जब बस स्टार्ट करेगी मूविंग, एकदम अपना मूवमेंट एकदम स्टार्ट करेगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बच्चों आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, विच विल हैव मोर इनर्शिया। तो जिस इनर्शिया उसका ज़्यादा होगा जिसका, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच विल हैव मोर इनर्शिया, तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो उसमें क्या होगा, इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो कार और बस में से बस का ज़्यादा है इसलिए इसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा, बाइसाइकिल और मोटरसाइकिल में से मोटरसाइकिल का ज़्यादा है, और कार्ट एंड ये आपका ट्रेन है बच्चों, तो ट्रेन का ज़्यादा है कार्ट से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।